हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छबी सर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एडी होप और इनकी पोयम ऑस्ट्रेलिया के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द पोयम ऑस्ट्रेलिया बाई एडी होप। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पोयम ऑस्ट्रेलिया वॉज पब्लिश्ड इन, ये जो पोयम है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, ये कब पब्लिश्ड हुई थी? एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1960, यानी 1960 में ऑस्ट्रेलिया पोयम पब्लिश्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एडी होप्स पोएट्री, नीचे दिए गए पोएट्री के कलेक्शन में एडी होप का पहला पोएट्री कलेक्शन कौन सा था? एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द वंडरिंग आइसलैंड। तो ये जो वंडरिंग आइसलैंड है, एडी होप की पोएट्री का फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एडी होप्स पोयम ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट ऑफ, एडी होप की पोयम ऑस्ट्रेलिया रखती है कितने स्टेंजास? एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 7 स्टेंजास, यानी ये जो पोयम है ऑस्ट्रेलिया, इसमें 7 स्टेंजास हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एडी होप डिस्क्राइब्ड द ग्लोरियस पास्ट ऑफ हिज कंट्री, एडी होप ने अपनी कंट्री के ग्लोरियस पास्ट का वर्णन किया इन विच स्टेंजा, किस स्टेंजा में? एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 2nd स्टेंजा, यानी 2nd स्टेंजा में एडी होप ने अपने देश का ग्लोरियस पास्ट को वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 5, द पोयम ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट 7 स्टेंजा, ये जो पोयम है ऑस्ट्रेलिया, ये 7 स्टेंजा में लिखी गई है। एंड ईच स्टेंजा हैज, और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं? एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4 लाइन्स, यानी प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द राइम स्कीम ऑफ द पोयम ऑस्ट्रेलिया इज, पोयम ऑस्ट्रेलिया में राइम स्कीम बताना है। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ए बी ए बी। क्वेश्चन नंबर 7, एडी होप बिगेन राइटिंग पोएट्री इन, एडी होप ने राइटिंग पोएट्री लिखने की शुरुआत की। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1930, यानी 1930 में एडी होप ने पोएट्री को लिखने की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 8, चेन्स एंड पर्थ आर द सिटीज ऑफ, ये कहाँ की सिटीज़ हैं? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9, एडी होप्स लैंग्वेज इज फ्री ऑफ, एडी होप की लैंग्वेज फ्री है। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑर्नामेंटेशन, यानी ऑर्नामेंटेशन से एडी होप्स की पोएम्स फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ डैश एलिमेंट इन एडी होप्स पोएटिक स्टाइल। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नेटिव, यानी देयर इज अ नेटिव एलिमेंट इन एडी होप्स पोएटिक स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 11, एडी होप इज एन इनोवेटर इन, एडी होप इनोवेटर हैं। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सिंबोलिज्म, यानी एडी होप इज एन इनोवेटर इन सिंबोलिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, एडी होप सोज, एडी होप दिखाते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसका प्रभाव दिखाते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नेचर,
यानी नेचर का प्रभाव ये दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एडी होप वॉज बॉर्न इन, एडी होप पैदा हुए थे किस सन में, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1907, यानी एडी होप 1907 में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, द लाइन द रिवर्स ऑफ हर इमेंस स्टूपिडिटी ऑकर्स इन द पोयम, ये जो लाइन्स हैं वो किस पोयम से ली गई हैं। चार ऑप्शंस हैं, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, यानी ये जो लाइन है द रिवर्स ऑफ हर इमेंस स्टूपिडिटी ऑस्ट्रेलिया नामक पोयम से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, एडी होप कंपेयर द फेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद, जो एडी होप हैं वो कंपेयर तुलना करते हैं ऑस्ट्रेलिया के चेहरे की किसके साथ। चार ऑप्शंस हैं, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी स्फिनिक्स, यानी एडी होप स्फिनिक्स से ऑस्ट्रेलिया के चेहरे की तुलना करते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।